एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, बहुत आपको सिखाते हैं मैनिफेस्ट करना, किसी इंसान को कैसे मैनिफेस्ट करे, किसी जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करे, ऐसे बहुत सिखाते हैं। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इस तरीके के लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ वीडियोज से। बट जो मेरा एक छोटू सा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्रिस्टल क्लियर मैनिफेस्टिंग करनी है आपने। ठीक है, कई बारी ना कई लोग कुछ चीज़ चाहते हैं, किसी इंसान को चाहते हैं, किसी जॉब को चाहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मुझे ये जॉब मिल गई, मुझे ये जॉब मिल गई, मुझे ये जॉब मिल गई और वो जॉब उन्हें मिल जाती है। बट उनको वो उस जॉब के लायक नहीं होते हैं, है ना, और नहीं हो पाता उनका फिर आगे, मतलब आगे नहीं निप पाता। या फिर किसी इंसान को बहुत टाइम से चाह रहे हैं और वो विजुलाइज़ कर रहे हैं कि वो और वो दोनों साथ में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शादी हो रही है, शादी हो जाती है, वो दोनों एक हो जाते हैं, है ना, बट वो निप नहीं पाता क्योंकि वो अभी उनके अंदर वो बैलेंस नहीं आया था या वो उस चीज़ के लायक नहीं थे। सो मेरा ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है, क्रिस्टल क्लियर मैनिफेस्टेशन एंड रेडी फॉर योर चैलेंजेस। मैंने ये नोटिस करा है, जब कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में चाहा है या मैनिफेस्ट करना चाहा है तो मैंने ये देखा है कि उससे रिलेटेड चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बचपन से मैं कुछ हर वक्त रात को सोते वक्त जो है ना कुछ सोचती थी, मुझे मैं विजुलाइज़ करती थी। मुझे नहीं पता था कि इसको विजुलाइजेशन कहते हैं, ये तो बड़े होकर अभी 2-3 साल से मुझे पता चला कि इसको विजुलाइजेशन कहते हैं। सो जो मैं जिस तरीके की लाइफ में चाहती थी, जिस तरीके की जॉब में चाहती थी, जिस तरीके का जीवन में चाहती थी, हर रोज़ रात को सोते वक्त वो चीज़ मैं एकदम मतलब विजुलाइज़ किया करती थी और फिर उसको सोचते सो जाती थी। बड़े होकर एग्जैक्टली वैसी जॉब, एग्जैक्टली वही शहर, एग्जैक्टली वैसा इन्वायरमेंट, सब कुछ वैसी चीज़ें मिली मुझे। मैं बड़ी सरप्राइज होती थी कि यही चीज़ तो मैं बचपन से सोचती थी। फिर 2-4 साल से मुझे पता चला कि इसको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुलाइजेशन ऐसा ऐसा कहते हैं। बट उन सब चीज़ों से रिलेटेड चैलेंजेस भी मेरी लाइफ में रहे। जॉब में गई तो वहाँ पे चैलेंजेस, रिलेशनशिप में चैलेंजेस, हर जगह पे चैलेंजेस। जैसी लाइफ चाही थी वैसी लाइफ मिली, वैसी जॉब मिली, वैसी ज़िंदगी मिली, बट उन चीज़ों से रिलेटेड चैलेंजेस भी। ठीक है, सो आप लोग भी अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ड्रीम जॉब को या किसी पर्सन को, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको वो जॉब मिल गई या आप उस बंदे के साथ शादी हो रही है, सिर्फ इतनी नहीं, पूरा का पूरा तरीके से मैनिफेस्ट करना है। ठीक है ना, और जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं जॉब में थी तो वहाँ पर एक दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए ग्रेटर कैलाश दिल्ली में गई। वहाँ पर एक और गैंग खड़ा हुआ था और उसमें एक मेरी एक लड़की भी थी, एक फ्रेंड। मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली ऐसी दोस्त मुझे मेरे जीवन में चाहिए। 2 महीने के बाद क्या हुआ कि वही लड़की मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आ गई। एंड शाम को जब मैं कैब में जा रही थी तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी कैब में और मैंने उसको देखा, मैंने कहीं जानी पहचानी से लग रही। उसने मुझे हाई किया, उसने बोला कि हम ग्रेटर कैलाश में मिले थे। एंड मैंने बोला कि ये यहाँ पे कैसे टपक पड़ी। फिर उसके बाद पूरे रास्ते हम साथ में गए, गाने वाने सुन रहे थे। उसने एकदम से बीच में बोला कि उर्वशी एक बात बताओ। मैंने बोला क्या। आखिर ठीक है, जो मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैंने बड़े दिल से चाहा कि यार ये लड़की मेरी फ्रेंड होनी चाहिए और देखो, कहती कि मेरी इच्छा ईश्वर ने सुन ली। एंड मेरे तो मतलब वो हो गया कि अरे ये चीज़ तो मैंने मांगी थी। मैंने उसको बताया कि एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने भी मांगी थी। सो द थिंग इज लाइक कि बड़े दिल से आप किसी चीज़ को तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पे तो म्यूचुअली दोनों ही एक ही चीज़ मांग रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत अच्छा समय, जैसा मैंने चाहा था कि मेरी एक दोस्त हो, पक्की दोस्त, कोई मतलब हम बहुत सारी बातें करें और कोई जजमेंट या कुछ ऐसा ना हो, और हमने खूब घूमा फिरा, खाया पिया दिल्ली में, बहुत अच्छा समय बीता। बट एक समय के बाद क्या हुआ कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, ख़राब हो रही है, चीज़ें नहीं संभल पा रहा। ठीक है, दोस्ती ख़राब हो रही है और फिर मैंने अंदर ही अंदर बैठ के सोचना कि ये क्या है, क्या है ये इंसान, और फिर मुझे आवाज़ आना कि तुमने ही तो मांगा था। मतलब मानो कोई कह रहा है जैसे कि तुमने ही तो इच्छा करी थी, ये तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तो तुम्हें दिया जा रहा है इतना अच्छा दोस्त जो तुम्हें चाहिए था, और अब जब तुम्हें स्ट्रगल हो रही है तो तुम सोच रही हो कि कहाँ से क्या मिल गई मुझे, ये इतना दुखी कर रही है, इतनी चलाक निकली ये। सो मतलब वो आवाज़ें आ रही है कि तुमने ही मांगा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्योंकि आई वॉज़ नॉट बैलेंस, शी वॉज़ नॉट बैलेंस, तो हमारी दोस्ती टूट गई। 8 साल तक हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। 8 साल तक उसको अवेकनिंग सिम्टम्स और ये डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से गुजर, एंग्जाइटी से। 8 साल बाद एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए,
हम दोबारा कनेक्ट हुए। उसने मुझे अपना पूरा यात्रा बताया कि 8 साल तक उसने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मुश्किल से वो बैलेंस हुई है। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई, जिसमें 3 साल तक मेरा ये अवेकनिंग असेंशन और ये मतलब एंजाइटी डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से फिर मैंने भी ओवरकम किया और मैंने बैलेंस करना सीखा और अब दोस्ती जो है बिल्कुल ठीक है। सो द ओवरऑल मेरे को ये समझ आया कि अगर हमें ज़िंदगी में बड़े शिद्दत से बड़े दिल से हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें मिल जाती है, बट हमारा उस चीज़ के लिए लायक होना बैलेंस होना भी ज़रूरी है। अगर हम कोई पियोन ये सोचे कि मैं इस कंपनी का जो है VP बन जाऊँ और कुछ ऐसा बन गया कि उसको मिल गई वो पर, बट वो इस लायक नहीं है, वो संभाल नहीं पाएगा। तो जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप विजुलाइजेशन कर रहे हो, तो आप क्लियर क्रिस्टल क्लियर विजुलाइजेशन करो। सिर्फ इतना नहीं कि मेरी इससे शादी हो रही है, सिर्फ इतना नहीं कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई, मुझे ऐसी जॉब मिल गई, पूरा अच्छे तरीके से कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ, हम एक दूसरे के लायक हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, हमारे बीच में प्यार ही प्यार है, हमारी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचा है, हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं, है ना। और अगर नहीं है तो आप ऐसी परिस्थितियां या ऐसी स्थितियां बनाओ जिससे कि हम एक दूसरे के लायक हो जाएं। तो मतलब एक क्रिस्टल क्लियर मैनिफेस्टेशन करनी है, क्रिस्टल क्लियर मैनिफेस्टेशन करनी है। मुझे मालूम है बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन लगा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ समय के बाद उनको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है और उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव होना शुरू हो जाता है, लेकिन चैलेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। यूनिवर्स भी तो आपको फ्री में थोड़ी ना दे देगा वो चीज़, आप उस चीज़ के लायक होंगे, आप बैलेंस होंगे, तभी आप उस चीज़ को निभा पाओगे या रख पाओगे या जी पाओगे। अगर आप नहीं हो तो आप परेशान होते रहोगे। सो द पॉइंट इज कि एक तो आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लायक बनाने के लिए परिस्थितियाँ या सिचुएशंस आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, और उन चैलेंजेस में बेसिकली आपके टेस्ट होते रहेंगे, और अगर आप उन टेस्टों में पास हो गए तो डेफिनेटली जो आपने चाहा है वो बड़े अच्छे तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा और आप बड़े खुश होंगे कि अरे वाह। अदरवाइज तो कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमने उसको पाने के लिए ये विजुलाइजेशन करी, हमने ये पाने के लिए वो विजुलाइजेशन करी, बट अब ना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है इस चीज़ को निभाने में, बट ये चीज़ आपने खुद ही चाही थी, तो आप तैयार रहो इस चीज़ से रिलेटेड चैलेंजेस के लिए। सो द पॉइंट इज कि मैं तो जब कोई चीज़ चाहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि हे परमात्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बट आप मुझे इस चीज़ को मतलब इस चीज़ के लायक, और ये जो बैलेंसिंग आप मुझे मतलब हमेशा सिखा के रखना कि कैसे बैलेंस रहना है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और चैलेंजेस के लिए रेडी रहो और अपने आप को बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस में रखो, ताकि वो चीज़ जब आप तो आपको आता हो उसे निभाना, ना कि ऐसा हो कि बस मिल गई वो चीज़ और फिर सत्यानाश हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो बस दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।